जॉर्डन हेल्पर सैलरी 300 JD, जॉर्डन हेल्पर सैलरी 400 JD, जॉर्डन हेल्पर सैलरी 350 JD, 450 जॉर्डनियन दिनार तक के मैंने वैकेंसी लेटर ऐसे देखे हैं जिनमें जो वैकेंसी निकलता है कि भैया हेल्पर का जो सैलरी है जॉर्डन में 300 दिनार है, जॉर्डनियन दिनार 450 दिनार है, ठीक है। सो भाई मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, आप एक बात बताओ, जैसे आप दुबई वगैरह जाते हो, ठीक है, दुबई या सऊदी, क्योंकि वहाँ पे दुबई में चलता है शायद दिरहम चलता है और सऊदी में चलता है रियाल, ठीक है, तो वहाँ पे हेल्पर की सैलरी क्या होती है, स्टार्टिंग 1000 रियाल हो सकता है और 1000 दिरहम हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ का 1000 रुपये है तो इसका मतलब आपको जॉर्डन में 1000 जॉर्डनियन दिनार नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई आपको पता है दिरहम की अगर बात करें तो 1 दिरहम का इंडियन रुपीज़ में बनेगा वही 21-22 रुपये बनेगा, और अगर वही जॉर्डनियन दिनार की बात करें भाई तो इस टाइम पे बन रहा है 116 से 117 रुपये। तो आपको भैया इतना सैलरी कैसे मिलेगा, 400 जॉर्डनियन दिनार का मतलब आप समझते हो कितना होता है, 400 जॉर्डनियन दिनार का होता है भाई, 400 जॉर्डनियन दिनार का अगर इंडियन रुपीज़ में बात करें तो 46,000 क्या 47,000 रुपये होता है, 46,800 रुपये। तो आपको लगता है कि जो है हेल्पर को इतना सैलरी मिलेगा, देखो भैया अगर ऐसा किसी के पास भी या किसी का एजेंट बोल रहा है कि 350, 400, 450 सैलरी हेल्पर का मैं दिलाऊंगा आपको, ठीक है, तो भैया वो आपको झूठ बोल रहा है। यहाँ की मिनिमम सैलरी जो है फ्रेशर लोगों की स्टार्टिंग की कुछ कंपनियाँ 200 रुपये लगाती हैं प्लस खाना और रूम दे देती हैं, ठीक है, कुछ कंपनियाँ होती हैं जो 230 रुपये और प्लस खाना पीना दे देती हैं, और ये 300-400 के चक्कर में मत पड़िए। अगर आप इसके चक्कर में पड़ेंगे ना तो भैया जिस एजेंट से आप काम करवा रहे हैं वो आपका सिर्फ और सिर्फ पैसा लेके भागेगा, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ पैसा लेके भागेगा। और ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो फ्रेशर है, जो पहली बार आ रहे हैं, जो यहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी सैलरी की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है भाइयों। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक करो ताकि और भी लोगों तक पहुँचे और भी लोगों के साथ में फ्रॉड वगैरह ना हो सके दोस्तों, क्योंकि आजकल बहुत सारा फ्रॉड चल रहा है जॉर्डन भेजने के नाम पर।